तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास में पुलिस ने एक कंटेनर से 50 मृत मवेशियों को बरामद किया, जबकि 8 गौवंश उसमें जिंदा पाए गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एक कंटेनर में मुरैना से नागपुर के लिए 58 मवेशियों को ले जाया जा रहा था, लेकिन इन मवेशियों को कंटेनर में ठूस ठूस कर भरा गया था। जहां सांस लेने के लिए भी मवेशियों को बेहद परेशानी हो रही थी, तो वहीं मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने कंटेनर को खोल कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। दरअसल बमुश्किल 30 मवेशियों की क्षमता वाले कंटेनर में 58 मवेशी मिले, जिसमें से अधिकतर मवेशियों की मौत हो चुकी थी और अंदर से दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद नगर निगम की टीम को बुलवाकर पुलिस ने मवेशियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। जब मवेशियों को कंटेनर से बाहर निकाला गया तो उसमें से 50 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। मौके का फायदा उठाकर कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग निकला। तो वहीं जब कंटेनर की नंबर प्लेट की जांच की गई तो उसमें 2 नंबर प्लेट लगी पाई गई और दोनों में ही अलग अलग नंबर लिखे थे। बहरहाल पुलिस ने जीवित मवेशियों को तिलवारा स्थित दयोदय तीर्थ गौशाला में मवेशियों को भिजवा दिया, जबकि मृत मवेशियों का नियम के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर को जब्त करते हुए उसके ड्राइवर और मालिक की तलाश शुरू कर दी। इसमें कल दोपहर में थाना तिलवारा पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक जो है जिसका नंबर MP06HC1353 है, वह कुछ मवेशियों को मुरैना से नागपुर लेकर के जा रहा है। तो इस सूचना पर जब थाना तिलवारा पुलिस द्वारा वहां पर दबिश दी गई तो जो तिलवारा ब्रिज है वहां पर वह ट्रक मिला और उसमें जब खोला गया उसको तो उसमें 58 गौवंश संख्या में मिले और जिसमें से दुर्भाग्यवश 50 जो है मृत हालत में थे, 8 को उसमें से जीवित निकाला गया और इस पर जो है थाना तिलवारा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है गौवंश अधिनियम अंतर्गत और कार्यवाही की जा रही है। ये नागपुर ले जाया जा रहा था। इसमें जो सही नंबर है जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया वो MP06HC1353 है, जिस पर और आगे जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया था, ट्रक ही मिला था बस पुलिस को वहां पर। कितने मवेशी थे उसमें, कितने जीवित मिले? इसमें 58 टोटल गौवंश थे जिसमें से 50 दुर्भाग्यवश मृत हालत में मिले थे और 8 को जीवित निकाला गया नगर निगम की मदद से। Thank you.